दर्शकों बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2020। देखिए दो चीजों को हमने इंक्लूड किया है, एक तो सैटर्न जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिस दो परिवर्तन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक तो अभी आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, शनि आपके 8th हाउस में चल रहे हैं अभी इस जगह पे, तो 2-2.5 साल से बहुत सारे कष्ट और परेशानियों को आपने देखा है, उसका अंत होने जा रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अब शनिदेव करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में यहां चले जाएंगे, भाग्य भाव में चले जाएंगे। शनिदेव इस राशि में बहुत ही कारक बनते हैं, इस लग्न इस राशि में वृषभ वाले में, क्योंकि यहां पर वो 9th और 10th दो हाउस के लॉर्ड बनते हैं और वीनस जो सुख इस राशि का मालिक है वीनस उसके साथ संबंध बहुत अच्छा शेयर करते हैं, तो जिस वजह से बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट यहां पर शनि बनते हैं और शनि भाग्य भाव का मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठेंगे यहां 24 जनवरी 2020 को। शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, तो शनि की ढैया खत्म होते ही सैटर्न की जो भी परेशानियां आप फील कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, भाग्य का जो आपको साथ नहीं मिलना है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि अपनी राशि में भाग्य भाव में बैठेंगे। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन शनि की होगी, हालांकि जब वो 10th हाउस में जाएंगे 2-2.5 साल बाद यहां पर, तो भी बहुत अच्छी पोजीशन होगी अपनी राशि में, लेकिन यहां पर भी बहुत अच्छी पोजीशन शनि की होगी, तो इस वजह से आपको भाग्य भाव में जो परेशानी आ रही है वो खत्म हो जाएगी। शनि की ढैया से जो परेशानियां आ रही थी वो 24 जनवरी 2020 से खत्म हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, भाग्य की वजह से जो काम रुक रहे हैं वो काम सब आपके बनेंगे, शनि भाग्य में जबरदस्त तरीके से आपकी वृद्धि करेंगे और कुछ हद तक शनि किस पोजीशन में बैठे हैं आपकी कुंडली में उस पर भी निर्भर करेगा, जितने अच्छे पोजीशन में शनि बैठे होंगे आपकी कुंडली में उतना अच्छा भाग का साथ यहां पर दिलाएंगे और डिग्री वाइज कितना बल है उनमें वो भी आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली में। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, तो यहां पर इनकम में भी वृद्धि करेंगे। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि स्ट्रगल में जरूर होती है, लेकिन याद रखिएगा कि शनि की दृष्टि इस बात पर भी निर्भर करती है कि शनि की दृष्टि से किस प्रकार फल करेंगे, वो बैठे किस स्थिति में है। आप शनि शत्रु राशि में बैठेंगे, योग कारक नहीं होंगे, तब उनकी दृष्टि उतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन चूंकि यहां पर योग कारक बनते हैं और अपनी राशि में बैठे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि इनकम में वृद्धि करने की कोशिश करेगी, प्रॉफिट में आपको वृद्धि दिलाने की कोशिश करेगी। सातवीं दृष्टि तीसरे घर पे जाकर पड़ेगी, पराक्रम हाउस पे, ये इनकी शत्रु की दृष्टि है और शत्रु की दृष्टि होने के कारण यहां पर थोड़ी सी कमी कर सकते हैं आपके साहस पराक्रम में शनिदेव, यहां चूंकि इनके संभाव की दृष्टि थी तो यहां पर ये प्रॉफिट देंगे। अब इनकी दसवीं दृष्टि जाकर पड़ेगी आपके 6th हाउस पे, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, उच्च राशि इनकी यहां है शुक्र की राशि, तो रोग से मुक्ति देंगे, शत्रु को परास्त करेंगे, ये सब काम शनिदेव यहां पर आपको देंगे, ये सब बेनिफिट यहां पर देंगे। कुल मिलाकर 2020 में शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, आपके भाग्य से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, आपके इनकम से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, शत्रु और रोग आपके परास्त होंगे, खत्म होंगे, इससे संबंधित रिजल्ट शनिदेव बहुत अच्छा देंगे और सबसे अच्छी बात कि आपकी ढैया खत्म होने वाली है 24 जनवरी 2020 को शनिदेव की, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट, जो भी परेशानियां आपके आ रहे थे स्पेशली वो सब खत्म होंगे, तो ये सब शनिदेव के अच्छे रिजल्ट आपको 2020 में मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए गुरु को देख लीजिए, गुरु अभी आपके यहां चल रहे हैं और 5 नवंबर 2019 से लगभग पूरे 2020 तक ये गुरु यहां पर गोचर करेंगे, हालांकि बीच में वो मकर में भी जाएंगे पर यहां पर गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु यहां केतु के साथ विराजमान रहेंगे, जबकि ये गुरु की जो स्थिति होगी ये किस प्रकार का रिजल्ट करेगी, तो ये हम इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, डिपेंड करेगा कि गुरु किस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं। अगर अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में गुरु बैठे होंगे तो आप रिसर्च के क्षेत्र में तरक्की करेंगे, रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ेगी, गुण ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको सफलता भी मिलेगी, आपको बहुत अच्छे गुरु भी अपने लाइफ में मिल सकते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि जाकर भाव पर पड़ेगी, अगर बहुत अच्छी स्थिति गुरु की है आपकी कुंडली में तो व्यय आपको सही क्षेत्र में आपका व्यय कराएंगे, तो फॉरेन जाने के चांसेस आपके बनेंगे, फॉरेन से बेनिफिट के चांसेस बनेंगे, एक्सपेंडिचर अभी आपका सही क्षेत्र में होगा, सही कार्यों में आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर गुरु की स्थिति खराब रही तो ये थोड़ा सा स्थिति आपके लिए खराब भी हो सकती है, हो सकता है खर्च को थोड़ा ज्यादा भी कराएं। फिर गुरु की दृष्टि जाकर पड़ेगी 2nd हाउस में पे, 2nd हाउस पे में कारक होते हैं गुरु, तो यहां पर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी धन संचय के लिए ये अच्छा रहेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा गुरु की स्थिति किस तरह से आपकी कुंडली में उस पर भी निर्भर करेगा, अगर अच्छी स्थिति, जितनी अच्छी स्थिति में होंगे उतना अच्छा रिजल्ट यहां पर करेंगे, धन संचय में गुरु वृद्धि करेंगे और पारिवारिक सुख में यहां पर गुरु वृद्धि करेंगे। राहु भी अभी आप 2020 में आपके 2nd हाउस में उच्च के बैठे होंगे और ये राहु की अच्छी स्थिति होगी कि एक तो राहु का ये मित्र का राशि है, शुक्र से संबंध अच्छे हैं राहु के, तो यहां पर राहु की स्थिति अच्छी रहेगी, उच्च के धन भाव में राहु होंगे तो वो भी धन भाव में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे और गुरु की भी दृष्टि यहां पर रहेगी तो धन से संबंधित चीजों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर आकर पड़ेगी,
तो फोर्थ हाउस पर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी ये भी बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी, क्योंकि यहां पर सिंह राशि गुरु के मित्र की राशि है, तो लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें अच्छी करेंगे, माता से के सुख में वृद्धि करेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, और सुख भाव चूंकि ये होता है तो सुख में भी वृद्धि करने की कोशिश गुरु करेंगे। तो ये सब फायदा आपको 2020 में गुरु दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा आपकी कुंडली में गुरु किस स्थिति में बैठे हैं, शनि किस स्थिति में बैठे हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, इन बातों पर भी चीजें निर्भर करेंगी। तो अगर आप विशेष परिस्थिति में कोई बुरे पोजीशन में चल रहे हो या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या डिटेल चाहते हो तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी करा सकते हैं, उसके लिए आप मेल पे कंसल्ट करिएगा। तो ये सारी स्थिति आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर सैटर्न का परिणाम तो बहुत अच्छा दिख रहा है, गुरु का मिलता जुलता परिणाम दिख रहा है, लेकिन गुरु के पोजिशन पर भी निर्भर करेगा कि गुरु किस स्थिति में बैठा हुआ है। देखिए शनिदेव से और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आप शनिदेव की आराधना भी कर सकते हैं, आप भगवान शंकर की भी आराधना कर सकते हैं, उससे भी शनिदेव के रिजल्ट और अच्छे होंगे। उसके साथ साथ आप फोर्थ ग्रेड पीपल के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ चलिए, फोर्थ ग्रेड पीपल का सम्मान कीजिए, जो भी लेबर क्लास पीपल हैं उनके साथ जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतना अच्छा शनिदेव आपको रिजल्ट देंगे। इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, छल कपट से थोड़ा बचिएगा और बुरे कर्मों से भी थोड़ा बचिएगा, इससे शनि के जो प्रभाव है भाग्य भाव में वो और अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि इन चीजों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गुरु की स्थिति को देख लीजिएगा, गुरु का बल कैसा है, गुरु किस स्थिति में बैठे हैं, विशेष परेशानी हो तो कुंडली एनालिसिस करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।